हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपकी स्तुति हो और आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु, आपने सुबह से लेकर अभी तक आपने संभाल के रखा प्रभु जी, आपने अपने अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभाल के रखा, सभी भाई बहनों को संगुसात रहा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु की जय जयकार हो और प्रभु की महिमा हो। सारी भलाइयों को याद करते हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने संतानों के साथ किया, अपने लोगों के साथ किए परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद प्रभु। और प्रभु का वचन कहता है कि देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उनको पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चंगा करना चाहता है क्योंकि वो अपने लोगों से प्रेम करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। और वो सभी को चंगा करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहता कि उनके लोग, उनके बच्चे, उनकी नीच प्रजा वो दुख में हो, रोएं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम प्रभु में बने रहें। हम जैसे प्रभु यीशु हमसे प्रेम करता, हम भी उससे प्रेम करते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और जिस तरीके से बेटा अपने बाप से, बाप अपने बेटा से प्रेम करता है, तो पिता का जो भी संपत्ति होता है वो ऑटोमेटिक वो सब बेटे के ही नाम में होता है, सब कुछ उसका ही होता है। हालेलुया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, तो प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा पिता है, वो हमारा हमारा परमेश्वर है। और वो चाहता है कि उसकी जितनी भी आशीषें हैं परमेश्वर उन्हें दे और सब विरासत में दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन इसलिए आज हमारे जीवन में वो आशीष बरकरार नहीं रहती, वो आशीष बनी नहीं रहती है, क्योंकि हम सब ने क्या किया है? पाप की और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और इसलिए वो आशीष हमारे जीवन में बनी नहीं रहती है। और जिस तरीके से बेटा जब कोई गलती करता है, जब वो परमेश्वर को प्रसन्न करने होकर योग्य दिखाई नहीं देता है, वो गलती करता, वो विचार करता है, या फिर वो अपने पिता को पिता ही नहीं कहता, तो कैसे परमेश्वर, तो कैसे पिता अपनी संपत्ति को उस बेटे के नाम करेगा यदि उसका बेटा ही है जो अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, अपने पिता की उस आज्ञा में नहीं रहता, तो कैसे वो सारी संपत्ति, कैसे वो विरासत तो उसके नाम में होगी। उसी प्रकार से जब हमारा परमेश्वर जो हमसे इतना अत्यंत प्रेम करता है, और जब हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, और जब हम पाप करते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन में जब हम पढ़ते हैं कि सबने पाप किया और हम परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और पाप की वजह से आज हम परमेश्वर की उस आशीष को अपने जीवन में ले नहीं पाते हैं, वो आशीष बरकरार नहीं रह पाती है। सब कुछ हमारी तो है, लेकिन तब हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं जब हम अपने जीवन में पाप करते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर पिता है, तो हम किसी और को पिता कहते हैं, किसी और को बाप कहते हैं। तो प्रभु क्या कहता है, पढ़ी और निर्गमन में 20 अध्याय में, कि मैं तेरा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु कहता है यदि आज बेटा अपने बाप को छोड़ के यदि किसी और को बाप कहे, किसी और को पिता कहे, तो सोच सकते हैं उसके रिएक्शन क्या होगा, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वो बोलने देगा कि तू उसको बाप बोल? कभी नहीं, क्योंकि पिता को पता है कि ये मेरा बच्चा। लेकिन बच्चा क्या हो जाए तो मार्ग को भटक जाता है, और लालच की वजह से आज उसको पिता बोल देता है, जिसको पिता बोल देता है। उसी प्रकार से आज हम क्या करते हैं, लालच की वजह से हम किसी और को पिता कह देते, किसी और चीज़ में चले जाते हैं। तो प्रभु का वचन पढ़ें, प्रभु यीशु ने प्रभु का वचन पढ़ें, उस वचन को निकालिए एक बार और पढ़ें उस वचन को। निर्गमन 20 अध्याय 3 वचन, एक्सोडस चैप्टर 20 एंड वर्सेस 3, तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु को छोड़ देते हैं, और इसलिए आज हमारे जीवन में हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। और इसलिए मैंने आपको प्रेरितों के काम में आपको इस वचन को भी मैंने बताया है, और इस वचन को आप याद कर लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक ही परमेश्वर है। पढ़िए उस वचन को एक बार, ताकि आप रोज पढ़ें और आप समझ पाए कि एक ही परमेश्वर, उसके सिवाय और किसी का नाम दिया ही नहीं गया है। पढ़िए उस वचन को, प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन में पढ़ें, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया क्योंकि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ऐसा कोई नाम ही नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो कैसे आज आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के किसी और का नाम लेते हो और कहते हो कि ये मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, जब बाइबल में लिखा है किसी और का नाम नहीं दिया गया है। इसका मतलब अभी भी आप फंसे हुए हैं, अभी भी आप पाप में हो, अभी भी आप झूठ से प्रीति रखते हो। इसका मतलब क्या है, अब जानते हो सब कुछ करते हो लेकिन आज आप झूठ से प्रीति रखते हो, और नीति वचन में भी लेकर झूठ से प्रीति न मत रख। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और इसी वजह से लोग फंस रहे हैं, परमेश्वर को छोड़ दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे रहे हैं, और इसलिए किसी का नाम दिया ही नहीं गया है, और इसीलिए अब छुटकारा नहीं पा पा रहे अपने जीवन में, चंगाई नहीं पा पा रहे अपने जीवन में, आशीष को नहीं ले पा रहे। लेकिन प्रभु ने तो कहा है कि अपने प्रेम करने वालों पर हजारों करुणा किया करता है, और अपने प्रेम करने वालों पर जो अपनी संतान उसकी संतान है जिस पर प्रेम करता है तो परमेश्वर विरासत में उसे आशीष दिए। लेकिन आज हम प्रभु से दूर होकर दिखा देते, प्रभु को छोड़ देते हैं, और इसलिए उस आशीष से भी हम वंचित हो जाते हैं। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और देखो हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी, कितना हमसे प्यार करता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमारे लिए दे दिया। ऐसा कौन है बताइए मुझे कि अपने आप को हमारे लिए दे दिया, कौन अपने आप को हमारे लिए अर्पण कर दिया, कौन क्रूस पर चढ़ गया, कौन बलिदान किया, कौन है ऐसा? हम देखिए कोई भी नहीं है, किसकी कब्र आज भी खाली है, कौन है? किसी की भी नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह की है। तो फिर अब क्यों कहते हो कि मैं उसके द्वारा उद्धार पाया, मैं उसके द्वारा जीवन पाया? केवल एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यदि आप चाहते अपने पापों से छुटकारा, यदि आप चाहते बीमारी से, तो आज अपने अपने पापों को मानकर तौबा कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। यदि अभी भी आप परमेश्वर में नहीं है, यदि अभी भी आप किसी और, कोई और आपको उद्धार करता आपके जीवन में, तो इसका मतलब आप पाप करते हैं। केवल एक ही नाम दिया गया है, पृथ्वी के ऊपर आकाश के नीचे एक ही नाम दिया गया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। यदि आज आप कबूल करेंगे तो मेरा विश्वास है 100% अब छुटकारा को पाएंगे अपने जीवन में। आमीन, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं जो कि आज अपने परिवार में दुखित है, अब अपने जीवन में दुखित है, परेशानियों में। यदि परेशानियों में, तो प्रभु यीशु आज आपसे कहता है, मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे निकट आ, प्रभु कहता है, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आज आपको बुलाता है। आमीन, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग, थैंक यू जीसस, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, सच में हमारे परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की ताकत और समर्थ रखते हैं। यदि आप सोचते हो कि मैं अंधियारे में काम करूंगा तो प्रभु तो नहीं देखेगा, यदि सोचते हो उजाले में काम करेगा, यदि सोचेंगे मैं गुफा में गलत काम करूंगा, यदि सोचोगे कि मैं ऐसे ऐसे काम करूंगा, तो याद रखे प्रभु हर जगह, एवरीथिंग, एवरीवेयर। और एक बार की आपको बात बताना चाहती हूँ कि फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, और फास्टिंग प्रेयर में थे तो सभा बैठी हुई थी, और वहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा का अभिषेक से पहले, हम प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र कर पिता परमेश्वर, अपने लहू से पाकर पवित्र कर, शुद्ध कर। फास्टिंग प्रेयर चल रही थी, 7 दिन की चल रही थी, और उसमें हम कोई खाना नहीं खाते थे, सिर्फ जूस पीते थे, नहीं तो चाय पीते थे, बस यही करते थे, और प्रार्थना सुबह शाम की प्रार्थना होती थी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर बार बार कह रहा था, एक लेडीज है जो कि गलत काम कर रही है, और उसके बच्चे भी, बड़े बड़े बच्चे भी, सब कुछ है, लेकिन वो बहुत गलत काम कर रही है। तो प्रभु ने बार बार फोर्स करके बता रहा था मुझे कि ऐसा है, लेकिन मैं सोच रही थी मैं बोलूँ कि नहीं प्रभु, लेकिन प्रभु बार बार मुझे बोल रहे, बार बार मुझे बोल रहा, बोल दे प्रभु। एक बार तो भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर ने बात किया मेरे से, परमेश्वर ने यदि तू अपने कामों से मन नहीं फिराएगी तो उसका नाम खुलेआम ले दिया जाएगा, और ये भविष्यवाणी भी हुई, लेकिन मुझे नहीं पता उसने माना कि नहीं माना। लेकिन पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, बार बार परमेश्वर यही बोल रहा, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, और ऐसे परमेश्वर बार बार दे रहे, फोर्स कर रहा, आत्मा मुझे बोल रहा, बोल दे। तो प्रभु यीशु, परमेश्वर ने बोला कि यदि नहीं मानेगी, यदि तौबा नहीं करेगी, अपने पापा से मन नहीं फेराएगी, छोड़ेगी नहीं, तो परमेश्वर आपका नाम लेके आपको बुलाएगा वहीं पर। हले, मन फिरा, आजा प्रभु के पास, आजा मेरे पास, बार बार परमेश्वर कह रहा था, बार बार, तो गलत कामों को क्यों करती, जबकि मसीह थी, विश्वासी थी, सब कुछ थी, और वो दूसरे कास्ट में से आई थी, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मान चुकी थी अपने जीवन में, ग्रहण भी कर लिया था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें उसके जीवन में थी, वे विचार की स्पिरिट,
जो कि वो छोड़ नहीं रही थी, और इसलिए प्रभु यीशु बार बार चेतावनी दे रहा था कि छोड़ दे, नहीं तो नाम ले दिया जाएगा। और मुझे भी नहीं मालूम था कि किसका नाम है। फास्टिंग प्रेयर था, चल रहा था, और लास्ट डे था उसका, और उस दिन प्रभु ने बता दिया उसका नाम को, हालेलुया। और बाद में सब कुछ पता चल गया कि हाँ ये राइट है और ये सही है, और वो वही थी। तो देखो, परमेश्वर से कोई छिप नहीं सकता। जब परमेश्वर वार्निंग दे रहा है, जब परमेश्वर बोल रहा है कि छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, गलत कामों को छोड़ दे, गंदे कामों को छोड़ दे, यदि आप अंधेरे में भी कार्य करते हैं तो छोड़ दे, क्योंकि आप प्रभु से कुछ भी नहीं छिपा सकते। देखो मैं प्रेयर कर रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में कि कौन है, कौन कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन आज वो अभी भी गलत कामों को करी जा रही, गलत कामों को करी जा रही। प्रभु परमेश्वर ने वार्निंग दिया, वचन के द्वारा भी परमेश्वर के बता रहा है, सब कुछ बता रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रही। और इससे परमेश्वर ने उसका नाम लेकर सीधा बताया कि हाँ तू ही ये करके मन फिरा मेरे पास आ करके, लेकिन नहीं मान रही। तो देखो, जब हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानते और हम प्रभु को छोड़ देते, प्रभु वार्निंग देता है, बार बार वार्निंग देता है। तो जब हम नहीं मानते तो प्रभु फिर चेता, प्रभु बताता है कि ऐसे मत कर, मत कर। फिर उसका रिजल्ट भी उसके जीवन में आता है, फिर उसके जीवन में बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़े, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए यदि आज भी आप पाप करते, यदि आप गलत कामों में, यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में छुपके से अपने माँ बाप से छुपके कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कितना पाप है, कितना। आप क्यों छुपके कर रहे हो? आप गलत ही से लेते छुपके कर रहे हो। यदि वो सही चीज़ होता तो आप छुपके नहीं, आप खुलेआम करते, हालेलुया, क्योंकि वो पाप है और आप जानते हो गलत है, इसलिए छुप छुप के करते हो, क्योंकि ये पाप है। आदम हवा कैसे छुप गया था अदन की वाटिका में? क्योंकि उसे पता था वो पाप कर रहे, इसलिए छुप गया। उसी प्रकार से आज भी हम छुपते फिरते हैं, क्योंकि जब हम पाप करते तब छिप जाते हैं, क्योंकि हमारा विवेक ही कहता है कि तूने पाप किया है, तूने पाप किया, कौशल हमें बोलता है। आप भले मुंह से बोलोगे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपका विवेक है, जबकि अंतरात्मा वो आपको ठेस पहुंचाती है, आपको चोट देती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए यदि अभी भी आप अंधेरे में, यदि आप गलत कामों को करते हैं, झूठ बोलते, आप किसी का पैसा ले लिया, चोरी कर लिया है, यदि आपने किसी के घर में लड़ाई लगड़ा है, झगड़े लगवाए हैं, या आप कुछ ऐसी गलत बातों को बोल रहे, तो सुधर जाइए, प्रभु में आ जाइए, पूर्ण आना है तो पूर्ण रीति से आ जाइए। हालेलुया। यदि आप छुप छुप के करते, यदि आप शादीशुदा लेकिन फिर भी अव्यभिचार के काम करते हैं, मोबाइल में गंदी चीज़ों को देखते हो, लगातार देखते हो, लगातार देखते हो गंदी चीज़ें, आपको फोर्स करता है, और ये व्यभिचार के एक स्पिरिट शैतान सकते हैं जो फोर्स करते हैं काम करने के लिए, मजबूर करती है, उसे डांटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, डांटे उसको, जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदगी चीज़ें, गंदगी बातें यदि आप करते ही, आप सुनते हो, फोन में करते हो, तो आज आपसे दूर होना। यदि आप शादीशुदा, आपका बच्चे, लेकिन आज फिर भी आप गलत कामों को कर रहे, गंदे कामों को कर रहे, तो कितना बड़ा पाप ही है। और उस पाप के बारे में आपको पता है कि कैसे आदम को निकाल दिया गया? जब पाप करते हैं तो उसका परिणाम निश्चित हमारे जीवन में आता है। क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में? आशीष को पाना चाहते हैं, या फिर आप वही घिसी पिटी वाली जिंदगी जीना चाहते हैं? पैसे तो आ रहे लेकिन बरकत नहीं है, आशीष तो सब कुछ है लेकिन घर में शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े, शक, संदेह की आत्मा काम करे, मिसअंडरस्टैंडिंग, क्यों आप क्यों ऐसा करो? यदि ऐसा है तो आइए, प्रभु आज आपको बुलाते, वो आपसे प्यार करते हैं। यदि आप गलत से गलत काम किए तो आज प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपने लहू से मुझे तुझे धो दूंगा, प्रभु कहता है, मैं तुझे शुद्ध और पाक पवित्र कर दूंगा। सच में यदि आप गलत काम कर रहे हो, कुछ किए भी हो, तो यदि आज आप माफ़ी मांगोगे प्रभु यीशु के सामने, रो रो के प्रभु को बोलोगे मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद नहीं करूँगा, तो प्रभु आज आपको माफ़ करेगा। और आज संडे की जो प्रार्थना सभा थी, रविवार की प्रार्थना सभा सुबह की, कितने लोग थे, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और आपको बता नहीं सकते, इतना ज़बरदस्त अभिषेक आया था, इतना प्रभु की स्तुति हूँ, प्रभु बात कर रहा था, मैं सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और ऐसा लग रहा था मैं स्वर्ग की ओर उड़ रही, और मुझे पता था कि आज भव कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। आमीन। बहुत सारे लोग कन्फेस कर रहे थे, अपनी गलती को मान रहे थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जब कन्फेस को कर लेते हैं तो स्वर्ग में आनंद होता है। आप जानते हैं जिस तरह से आप बर्थडे मनाते हैं अपने घर में, उसी प्रकार से आपका भी बर्थडे स्वर्ग में मनाया जाता है। यदि वे विचार कर रहे थे, यदि गलत कामों को कर रहे थे, जब आप कन्फेस करते हो, आप पापा को मानकर उसे छोड़ने का निर्णय करते हो, तो आप स्वर्ग में आनंद होता है, आप नया जीवन को पाते हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, तो आपका भी बर्थडे मनाया जाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए यदि अभी भी आप पाप में हैं तो मन फिर आइए, लौट आइए प्रभु के पास, प्रभु आज आपको बुलाता है। यदि आपके पाप लाल रंग के, अर्गवानी रंग के, तो प्रभु कहता है कि मैं हिम के समान श्वेत कर दूंगा, मतलब आपको हिम के समान कर देगा, आपके पापों को परमेश्वर अपने लहू से धोकर पाक पवित्र शुद्ध कर देगा। जब कोई रिकॉर्डेड है, आपका बुक में लिखा जा चुका है, गलत पापा कितने बच कितने मिनट में किया है, गंदे काम है, झूठ किया है, झूठ बोला, चोरी किया है, रिश्वत लिया है,
घूस लिया, गंदे कामों को किया, मर्डर किया, कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ें गंदे काम किए हैं, तो प्रभु आपको छुड़ाने की ताकत और सामर्थ्य रखता है, अपने पापों को मानकर उसे छोड़ दे, तब आपके ऊपर कृपा की जाएगी, तब आप पर दया होगी, आपका सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन। डरे ना, घबराए मत। प्रभु यीशु मसीह है जो शरीर और आत्मा को नाश कर सकता है। ये मत सोचे कि वो परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। इसलिए आइए, प्रभु के निकट आइए। प्रभु आज आपको बुलाता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्यार करता है, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आपके घर में कर्जा है तो प्रभु आपके घर में डिवाइन हेल्पर को भेजेगा, अनुग्रह देगा परमेश्वर, और जो कि प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा उस पर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आएंगी, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें उतरेगी। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जब आशीष देगा तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में आशीष आएगी। यदि आपको बिजनेस में आशीष आएगी तो ऐसा छप्पड़ फाड़ के आशीष मिलेगी, हम सोच नहीं सकते, इतना ब्लेसड और इतना ब्लेसड होंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, आपको छुटकारा देगा, प्रभु की स्तुति। इसलिए जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं तो दाऊद कैसे भजन कहता है, जब मैंने यहोवा को पुकारा तो उसने मेरी सुन ली, जब आज आपको पुकार आप परमेश्वर को पुकारोगे तो प्रभु आपके सुनेगा और आपको छुटकारा देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आज हमारे जीवन में पाप ही है जो हमारे जीवन में आशीषों को हमें रुकावट डालती है। इसलिए आज प्रभु के निकट आई, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को अपने लहू से धोएगा। यदि आप निर्बल हैं तो आपको परमेश्वर बल देगा, अनुग्रह देके चलाएगा, अड़े और परमेश्वर आपको खड़े करेगा। तो आज यदि आप पाप के उस बंधन में बंधे हैं, उस गलत कामों को करते हैं, घिनौने काम को करते हैं, तो प्रभु यीशु के निकट आइए, और जब आप मानकर उसे छोड़ देंगे, उस पाप को मानकर छोड़ देंगे, तो प्रभु की सामर्थ्य अभिषेक आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आशीष आएगी। और इसलिए प्रभु का वचन, जैसे कि आज हमने सुबह में मैंने आपको बताया था कि आप वचन था कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, उसे छोड़ भी देता है, तो उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करेंगे और आप कहेंगे प्रभु यीशु जी मेरे पापों को अपने लहू से धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, प्रभु मुझ पर अनुग्रह दे, मुझ पर तरस खा, तब प्रभु आपको छूकर चंगा करेगा, आपको परमेश्वर अपने लहू से धोकर पाकर पवित्र करेगा। और प्रभु का वचन क्या कहता है, तो मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं आशीष को पाना, तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रार्थना कर, आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारा सेना को यह छुटकारा देने वाला, चक्कर करने वाला यहोवा, और सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं और हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आज जितने लोग दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, जो पापों में फंसे हुए हैं, प्रभु अपने लहू से धोकर पाक पवित्र शुद्ध करो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बोले कि मैं यीशु आपके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, और आपके लहू के बहाए जाने के द्वारा ही आज मैं पापों से छुटकारा पा चुकी हूँ। हालेलुया। प्रभु पाकर पवित्र कर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के समर्थ नाम के, पाप आपको छोड़ के यीशु के समर्थ नाम में, वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, ए वे विचार की आत्मा, मैं तुझे डांटती हूँ यीशु मसीह के समर्थ नाम में, जो फोर्स करती गलत कामों को करने पर मजबूर करती है, गंदे कामों को करने पर मजबूर करती है, मैं तुझे डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो नशा करते हैं, जो शराब पीते हैं, चैन स्मोकर हैं, जो मेडिकल नशा करते हैं, तंबू को खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए। यदि बुरी संगति में, बुरी आदतों में, लिविंग रिलेशनशिप में, यदि आप गलत कामों को करते हैं, वे विचार करते हैं, आपका संबंध किसी और के साथ है, तो आप पाप करते हैं। हालेलुया। मैं डांटती हूं अभी से, वक्त आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, वे विचार की आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और इसकी वजह से आपका घर बर्बाद हो रहा है, आपका घर टूट रहा है, लड़ाइयां झगड़े हो रही हैं, रोज बर रोज हो रही हैं, मैं डांटती हूं, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, वी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आजाद हो जाए, शैतान शक्ति निकल इनके घर से, यीशु के समर्थ नाम। बोरिया बिस्तर बांध, अपने प्रोडक्ट, अपने सामान को निकल पकड़ यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हालेलुया। रोए अरे पश्चाताप करे, अपने पापा को मान ले। हालेलुया। ओ रबा बशर लबक तिर लब तिर के तिर लब शिर लब तिर लब तिर बिटली वट बिटली वट बिटली वट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर, मैं पिता परमेश्वर, चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, हमारे पापा को अपने लहू से धोकर पाक पवित्र करने वाला। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, बुरी संगति में, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में है, यीशु के नाम से मैं डांटती हूँ, निकल यीशु के समर्थ नाम से। स्पिरिट जो कार्य करती है, जो गंदे कामों को करते हैं, जो मोबाइल में गंदगी चीजें देखते हैं, अपने शरीर से भी, जो अपने शरीर में विचार करते हैं, अपने मन में विचार करते हैं, गलत कामों को करते हैं, वे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
आपके शादीशुदा जीवन, आपके मैरिड लाइफ में यदि शक की आत्मा काम करती है, संदेह की, यदि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तब डांट दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु आपको बुलाता है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए ऐसे वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रब बशर रब बकती रब बतेरे के दिन रब बशर रब बकती रब बतेरा, आज नया हो जाए, प्रभु को नया कर रहा है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादीशुदा जीवन, मैरिड लाइफ, वो आशीष में होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आपका पति आपको छोड़कर चला गया, यदि आपका पत्नी छोड़कर चली गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऐसी स्पिरिट जो आपको दोनों के बीच में आती है, जो आपको दूर करती है, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। यदि आपके बच्चे आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिए, मैं प्रार्थना करती हूँ आपको लेकर जाए यीशु के सामर्थ्य, आपके बच्चे पश्चाताप करें और आपको लेकर जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ रब आपका बच्चे का मन बदल जाए, आके बेटा और बेटी का मन बदल जाए, बहू का मन बदल जाए। ओ हालेलुया। और अब जो अनाथ आश्रम में डाल दिया गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ वो लेकर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति। प्रभु कहता है मुझसे प्रेम करोगे तो तुम अपने लोगों से भी प्रेम करोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। आपका परिवार जो टूटा है, बिखरा हुआ है, वो जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इकट्ठा हो जाए, एक हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका परिवार के हर एक एक सदस्य आशीषमा को बदल जाए। यदि आप एक व्यक्ति है जो परिवार में उद्धार पाया हुआ है, प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार भी जुड़ जाए, उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के नाम को जानने पाए, पहचानने पाए। प्रभु कहता है कि तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसलिए आपको अपने परिवार की काउंसलिंग नहीं करें, प्रचार नहीं करना, वचन नहीं बताना, बल्कि आपको प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आपके जीवन में आएगा। जब आप बचेंगे पूर्ण रीति से, तब आपका परिवार भी बचाया जाएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। और देखना आपका परिवार बचाया जाएगा, जिस तरीके से मैं बची तो मेरा भी परिवार बचाया गया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो। मेरा विश्वास है आपका परिवार बच रहा है, आपके परिवार के हर एक सदस्य बचने, रिसीव करें प्रार्थना में, रिसीव करें। मैं प्रार्थना करते अंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े की आत्मा, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन आनंदमय और आशीषमय होकर बदल जाए, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपका बेटी का घर आशीष होकर बदल जाए, आपके बेटे का घर आशीष होकर बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन को मैं आशीष करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य। यदि बीमार अपने हाथों को वहाँ पे रखे जहाँ पर आपको दर्द है, ये बीमारी मैं तुझे डांटती निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में, मैं तुझे निकलती से डांटे, अपनी बीमारी का नाम ले और उसे डांटे और अपने घर से निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपके शरीर से निकल जाए। बोले मैं यीशु मसीह का बच्चा, मैं यीशु मसीह की संतान हूँ, कोई मेरे शरीर में आकर ठहर नहीं सकता। ए बीमारी मैं तुझे डांटती निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। कैंसर की बीमारी जा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर्निया की बीमारी, टीवी की बीमारी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रब बाबा शरल बाबा सले बकती रे डबती रे के रे डबकती रे डबा शरल बकती रा बेड ले वार्ड हड्डी के रोग, हड्डी की रोग आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बेड लीवर, बेड लीवर। मैं प्रार्थना करती हूं यदि हड्डी की रोग है, यदि आपको गठिया, यदि आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बेड लीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको यदि पेट में सूजन है, दर्द है, कोई भी चीज़ ऐसे रीजन है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। कैंसर की बीमारी जाए, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से आजाद और चंगे हो जाए। यदि डिप्रेस्ड है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। हालेलुया। सुसाइड करने वाली आत्मा जिस उकसाती आपको करने के लिए, बी डिलीवर, आई रिब्यूक्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। डिप्रेशन की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, जो प्रार्थना को सुनने के लिए जो रोकती है, मैं तुझे डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आंखों की रोशनी वापस आए, आपके कानों में से सुनने यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए। यदि खा पी नहीं सकते, यीशु के सामर्थ्य नाम में खाने पीने लगे, यीशु के सामर्थ्य नाम आपके चलन जो आगे जो आपके जो छाती में जलन होता है, यदि आपके चेस्ट में जलन होता है, मैं प्रार्थना करते आजाद और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु की स्तुति। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए इसी वक्त गिल्टी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाए। पत्री जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पेट के दर्द की प्रॉब्लम, गुप्त प्रॉब्लम, वे डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आप कंसीव करने पाए, आपका गर्भ का फल ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके थायराइड के प्रॉब्लम को डांटती यीशु के नाम से आजाद हो जाए। अस्थमा के प्रॉब्लम जाए, गले के दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शुगर और बीपी कंट्रोल और नॉर्मल यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। के शरीर भला और चंगा, हष्ट पुष्ट होकर बदल जाए। हालेलुया। कमजोरी की आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में, डांटी वीकनेस की आत्मा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वी डिलीवर्ड, वी डिलीवर्ड। आप जो भी खाते थे लगता नहीं है, मैं प्रार्थना करते उसके खाने पीने को ब्लेस करती हूँ, आशीष देती हूँ। परमेश्वर आपको बुद्धि दिया क्या खाना और क्या नहीं खाना है। हालेलुया। खाने पीने में भी आप बुद्धि के साथ खाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपका खाना पीना को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति।
स्थिति हो, प्रभु यीशु के लिए आपका खाना पीना आशीष होकर बदल जाए, आपका 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 परमेश्वर हर एक जरूरतों को पूरा करके देश मसीह के समर्थित नाम में प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ के जाए, हालेलुया हालेलुया, हर मंस की समस्या से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। आपके बच्चे यदि बीमार हैं मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं डर जा रही बीमारी का यीशु के समर्थित नाम आजाद और चंगे हो जाए। आपके बच्चे हष्ट पुष्ट और आशीषों को बदल जाए, यीशु के समर्थित नाम में आपका गर्भ का फल ब्लेस हो। आप यदि प्रेग्नेंट है मैं प्रार्थना करती हूँ आप आशीष को पाए, यीशु के नाम से चंगे हो, जबकि घबराहट जाए यीशु के समर्थित नाम में। मैं डिलीवर्ड आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अपने ब्लेस करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, यीशु की स्तुति हो। प्रभु प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ आपका बिजनेस आपका काम आपका कमाई का हिस्सा वो ब्लेस करे, मैं ब्लेस करती हूँ आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए यीशु के समर्थित नाम में। आपकी सैलरी ब्लेस हो, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, मैं प्रार्थना करती थी सैलरी आती है लेकिन उसमें आशीष नहीं रहती, आज वो आज इधर उधर चली जाती, टिकता नहीं है और टिकता नहीं आपके घर में, बरकत नहीं बनी रहती है, मैं डरते रहे ऐसे श्राप को आजाद हो जाए यीशु के समर्थित नाम में। सैलरी ब्लेस हो, आपका कमाई ब्लेस हो, और जब अपनी सैलरी का पहला हिस्सा को जब प्रभु के लिए निकालोगे आमीन, तो आप ब्लेस होकर बदल जाओगे। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, आशीषित होकर बदल जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थित नाम में। हालेलुया 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 हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा, प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, अपने अनुग्रह को डेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो। प्रार्थना को सुनने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस, आपका बिजनेस यदि बंद है तो खुल जाए यीशु के समर्थित नाम में। आपका कोई भी काम क्यों ना हो वो शुक्र बदल जाए। यदि आपका किराना स्टोर, यदि आपको रेस्टोरेंट का काम हो, यदि आपका कोई भी शॉप हो, यदि आपका कोई भी शॉप हो, मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष में आपका बदल जाए, ब्लेसड है ब्लेसड है और आशीषित होकर बदल जाए। हालेलुया, के ग्राहक खुश हो आपके काम से, आपके कस्टमर खुश हो आपके काम से और आशीषित होकर बदल जाए यीशु के समर्थित नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के जय जयकार हो। आपका बिजनेस फलवंत हो, फ्रूटफुल यीशु के समर्थित नाम में। हालेलुया हालेलुया, आपका न्यू इनकम सोर्स आपने खोला है, मैं ब्लेस करती हूँ आपके न्यू इनकम सोर्स को, मैं ब्लेस करती हूँ आपने शॉप खोला, अपने बिजनेस खोला है और मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थित आपके कमाई आपका आपका बिजनेस को, मैं ब्लेस करती हूँ आपके नया काम को, ब्लेस करती हूँ फलवंत होकर बदल जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपका इनकम सोर्स ब्लेस हो और आपका नौकरी ब्लेस हो यीशु के समर्थित नाम। यदि आपके पास नौकरी नहीं है मैं प्रार्थना करती हूँ आपको बेस्ट नौकरी मिलने वाली है प्रभु यीशु मसीह के समर्थित नाम में, यीशु के समर्थित नाम में। आपका बॉस आपको फोन करके बुलाने के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो, आपको गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती है, जिस चीज के लिए तैयारी करें गवर्नमेंट जॉब के लिए परमेश्वर को स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ की आत्मा दे, आपका आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस यीशु के समर्थित नाम में। हालेलुया हालेलुया, यदि आपके पैसे फंसे हुए, यदि आपके पैसे यदि आपके पैसे एजेंट के पास, यदि और किसी के पास फंसे हैं किसी भी रीजन, कोई भी ऐसी चीजें हैं, मैं प्रार्थना करते हूँ कि पैसे वापस आए यीशु के समर्थित नाम, उसका मन बदल जाए और उनके पैसे वापस मिलने पाए यीशु मसीह के समर्थित नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। यदि आपका डॉक्यूमेंट गुम हो गया, यदि कोई पेपर इंपॉर्टेंट पेपर कोई गुम हो गया, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थित नाम में, ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ वो पेपर आपका डॉक्यूमेंट इजिली आपको मिलने पाए यीशु के समर्थित नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ वो यीशु के समर्थित नाम में, यीशु के समर्थित नाम को मिलने पाए यीशु के समर्थित नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ जेल में बंद है, मैं प्रार्थना करती हूँ उसको बेल होने पाए, वो वापस आने पाए यीशु मसीह के समर्थित नाम में। हालेलुया, प्रभु आपकी लड़ाई को लड़ेगा और आप जीतेंगे यीशु के समर्थित नाम में। ये झूठा कैसे फंसा दिया गया और जेल में बंद है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थित नाम में। हालेलुया, प्रभु में छुटकारा, प्रभु के नाम में छुटकारा, वो सब कुछ को सब लोगों को छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह डेल दिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार, प्रभु की महिमा हो। जितने फॉरेन कंट्री से प्रार्थना सुन रहे सभी लोग यीशु के लहू में कवर करते, कोई कोरोना वायरस आपके निकट ना आने पाए, प्रभु जी अपनी सारी प्रार्थना को सुन ले, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु की स्तुति है, प्रभु की जय जयकार हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, प्रभु जी उसके लिए तैयार करना पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों के लिए कि परमेश्वर को प्रार्थना का आत्मा दे, वचन पढ़ने के लिए विशेष अनुग्रह कृपा देकर चलाए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में कि जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी सीट को बोते, अपने बीच को बोते, आप आशीषों का बदल जाए। आमीन, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपका जल जाने वाले उसके लिए तैयार कीजिए, निर्दोष निष्कलंक पाकर पवित्र बनाएंगे, राज भी आपका आगमन होने से हम सभी उस महिमा में बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और मेरा विश्वास है आज जरूर गवाही के साथ वापस आएंगे और आपके जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। और आज की प्रार्थना को शेयर करना न भूलें और आप अपनी दशमांश अपने टाइथ अपनी
ऑफरिंग को भी आप गूगल पे पेटीएम के थ्रू भेज सकते हो। यदि बाहर से बाहर कंट्री से तो आप अपनी ऑफरिंग को भी आप भेज सकते हो। हालेलुया। और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर आप फोन करके भी बता सकते हो। प्रभु को धन्यवाद हो। और आप अपनी गवाही को देना ना भूले, आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। आप रिकॉर्डिंग करके आप भेज सकते हैं अपनी गवाही को जो व्हाट्सएप नंबर में दिया गया है, और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया उसमें ही कॉल करें, उसी में ही प्रार्थना की जाती है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इस मिनिस्ट्री के लिए जरूर प्रार्थना करना जो परमेश्वर ने दिया है। मेरे लिए प्रेयर करना, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना, हमारे टीम के लिए, हमारे वॉरियर के लिए, प्रार्थना योद्धा के लिए जो प्रार्थना करते लगातार, उन सबके लिए प्रार्थना करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए और भी लोगों को बचा सकें, और बचाना ही नहीं बल्कि सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सकें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। और रिकॉर्डिंग और स्टूडियो के लिए प्रेयर करना कि प्रभु अनुग्रह दे, चलाएं, आशीष दे। जो भाई बहन मदद करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपको आत्मा उभारता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। और हम फिर मिलेंगे उस परमेश्वर के प्रेजेंस में सुबह 3 बजे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।